ये कहना चाहूँगा कि देश का प्रत्येक युवक एनसीसी में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े और प्रशिक्षण प्राप्त करे, जिससे कि उसका भविष्य उज्ज्वल हो। एक कैडेट तथा स्वयं सेवक निरंतर समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहते हैं। दोनों संस्थाओं में लड़कियां और लड़के एक दूसरे से मिलकर संयुक्त रूप से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनसीसी कैडेट को देश की तरक्की, रक्षा, तीसरी रक्षा पंक्ति भी कहा जाता है। दोनों संस्थाएं युद्ध जैसी परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जन सेवा के कार्य करती हैं। अनुशासित होने के कारण राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट व राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक नेतृत्व प्रदान करने के काबिल हैं। इस तरह से देश व समाज की सेवा के लिए अपने दूसरे सहपाठियों को भी प्रेरित करते हैं। एनसीसी के कैडेटों व राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने हरियाणा राज्य में अनेक समाज सेवी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे रक्तदान, नेत्रदान, स्वच्छता अभियान, दहेज उन्मूलन अभियान, एड्स जागरूकता अभियान इत्यादि। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से अपील करता हूँ कि आप सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनसीसी कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक राज्य के सांस्कृतिक व सामाजिक राजदूत के रूप में मानवता की सेवा करते हुए प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंगे। राज्य सरकार की राष्ट्रीय कैडेट कोर व राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को लोकप्रिय बनाना और उन्हें प्रोत्साहित देने का भरसक प्रयत्न करती रहेगी। मैं गणतंत्र दिवस परेड प्रधानमंत्री रैली में इस बार फिर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एनसीसी कैडेट को और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को द्वारा परेड में भाग लेने पर एक बार फिर से शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। इसके साथ साथ प्रत्येक बच्चों को 5100 रुपये अतिरिक्त इनाम देने की घोषणा करता हूं। आपके बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि छात्रों को, विद्यार्थियों को, नागरिकों को इस प्रकार की शिक्षा देते रहना जो अनुशासन में ला करके देश की तरक्की में लगे, एक दूसरे को प्रतिष्ठा दें, बड़े को सम्मान, छोटे को आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद।